एंड जयपुर संगीत महाविद्यालय. Myself Shelley Srivastava, I am an Odissi dancer and today I would be giving a small lecture demonstration on Odissi dance, which is a very beautiful dance form and it belongs to the eastern coastal region of India, that is Odisha. I am based in Udaipur, Rajasthan. My gratitude to Jaipur Sangeet Mahavidyalaya for giving this wonderful opportunity to promote and preserve this art form in COVID-19, in pandemic, where we are locked inside our house within our family. So it's a very wonderful platform to promote and preserve art. So that is why I opted for lecture and demonstration. Today I would be accompanying with my disciples Amishi, Yashika, अभी बैठो बेटा मैं बुलाऊंगी, Avni and Sanjali. Odissi is a very oldest dance form, maybe 1st century, 2nd century. The manuscripts evidence which we get of Odissi is related to Konark temple. कितना पुराना Konark temple, and we have that the sculptures positions engraved in that Konark temple. It relates to Odissi. Or if you go to Udaikiri caves in Odisha, you will find that. Even there are many temples in India, like Hampi in Karnataka, then Meenakshi temple in Madurai. There's old temples, itpe jo hamare jo sculptures hai, they are engraved in the temples. They depicts dance, temple dance. So Odissi is one of them. और जो हमें इसका एविडेंस जो मिलता है वो आचार्य भरत मुनि जी का जो लिखा है नाट्य शास्त्र, उसमें भी इसका एविडेंस मिलता है कि ओडिसी इज द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म. तो इट गॉट एक्सटिंक्ट, एक पीरियड आया था कि सब बीच में बिल्कुल ही लुप्त हो चुका था, लेकिन फिर उसने अपने आप को रिवाइव किया थैंक्स टू आवर गुरुज, मेंटर्स, पद्म विभूषण गुरु केलुचरण मोहपात्रा, आदि गुरु पंकज चरण दास एंड गुरु देव प्रसाद दास, जिन्होंने ओडिसी को रिवाइव किया इन 40s. दिस इज हाउ ओडिसी अभी हर मतलब ओडिसी इज रियली हैव बिकम वेरी पॉपुलर. और मतलब ऑल पूरे मतलब नॉट ओनली इंडिया, इवन द इंटरनेशनल लेवल पे भी इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर. एंड जो हमारे जो तीन गुरु हैं दे आर कॉल्ड त्रिधारा, थ्री डिफरेंट स्टाइल्स, थ्री वेज ऑफ ओडिसी लर्निंग, ओडिसी त्रिधारा जिसको हम लोग कहते हैं. सबने अपना अपना योगदान दिया इस ओडिसी को रिवाइव करने में, एक नई जान डालने में, और आज हम सब उन्हीं के आशीर्वाद के बदौलत ओडिसी को प्रमोट कर रहे हैं और प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको आगे से आगे जनरेशन टू जनरेशन इसको चाह रहे हैं कि वो पास हो और आने वाला जो कल है हमारा उसको ओडिसी को और आगे लेके जाए. तो ओडिसी इज एक्चुअली देयर आर मेनी क्लासिकल डांसेस इन इंडिया, लेकिन ओडिसी में जो है वो दो जो हमारा दो ब्रांच है, गोटिपुआ एंड महरी, देयर आर टू मेन ब्रांचेस इन ओडिसी. महरी मींस महानारी, द ग्रेट वुमेन, वो नारियां जो जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ की पूजा उपासना में उनके रस में गीत गाया करती थी, नृत्य प्रस्तुत किया करती थी, चाहे उनको स्नान कराना हो, शयन कराना हो, भोग लगाना हो, तो वो महानारियां हो करती थी, जगन्नाथ को जगन्नाथ के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर चुकी थी, वो मंदिर के अंदर इन टेम्पल. और गोटिपुआ जो होते थे वो मंदिर के बाहर करते थे, क्योंकि मंदिर के बाहर जो डिवोटीज है, जो भक्त है, वो भी जानना चाहते थे कि आखिर भगवान कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, उनकी क्या लीलाएं हैं. तो ये गोटिपुआ जो है ये उस तरीके की लीलाओं को प्रस्तुत करके वो भगवान के बारे में उनको बताते थे कि देखो भगवान जगन्नाथ भगवान जो है उनका इस तरीके से, उनका शयन, उनका इस तरह से श्रृंगार किया जाता है, और जब वो उनकी लीलाएं ऐसी, वो माखन ऐसे खाते हैं छुपके, वो खेलते हैं, है ना, वो गोपियों के से छेड़छाड़ करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, राधा से उनका मिलन है. तो वो इस तरह गोटिपुआ डांसेस बताते थे. गोटिपुआ मीन्स सिंगल बॉय, गोटी मीन्स सिंगल, पुआ मीन्स बॉय उड़िया में, तो गोटिपुआ ऐसे. तो बॉयज को दे यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक गर्ल्स, तो बॉयज ही डांस करते थे, गर्ल्स ने, गर्ल्स अंदर करती थी, बॉयज बाहर करते थे. अभी तो द ट्रेडिशन हैज रिवाइव्ड एंड सब कुछ काफी चेंजेस आया है,
और अभी सब मिक्स हो गया, गोटीपुआ मेहरी एवरीथिंग सब एक आर्ट फॉर्म में ओडिसी बन के आया है। लेकिन अभी भी गोटीपुआ है जो चलता है, जो उड़ीसा में गांव है वो गोटीपुआ ट्रेन करते हैं, गुरुकुल है वहां पे इसके, महरीज का भी है, महरी ट्रेडिशन में आदि गुरु पंकज चरण दास जी का है वो महरी ट्रेडिशन में फॉलो करते हैं। तो ओडिसी बहुत सारी चीजें ओडिसी के बारे बताने के लिए, हमारा जो कॉस्ट्यूम है, हमारी ज्वेलरी, हमारा साड़ी, हमारा गेटअप, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डांस फॉर्म, वेरी यूनिक, दैट इज वाई इसको ये सबसे सुंदर लगता है। आई नो आई एम अ डांसर, दैट इज वाई मैं इसको ज्यादा कर रही हूँ, बट देन इट इज अ ब्यूटिफुल डांस फॉर्म। अभी मैं कुछ अपने छोटे छोटे डिसाइपल्स को बुलाऊंगी, वो आपको बताएंगे ओडिसी के बेसिक जो स्टांसेस है, जो भंग पोजिशन है, वो आपको ओडिसी के बारे में बताएंगे करके। आ जाओ बेटा अवनी, यशिका एंड अमीशी, शी इज द यंगेस्ट वन, शी इज 5 years old एंड यशिका इज 6 years old एंड अमीशी इज 12 years old। नाउ दे वुड बी, सब आप हमें खड़े जाओ, दे वुड बी टॉकिंग अबाउट द 5 basic positions of Odissi. Mushti bana lo beta. Yes. Okay. This is Samabhang. They are standing in Samabhang. Samabhang means standing position. Plain. Okay. Now Abhang. Left. Do Abhang. Right. Yes. Okay. Fine. This is waiting position. Mushti and the other is Ardhachandra gesture. Okay. Avni. Mushti bana beta. अर्धचंद्र, दिस इज वेटिंग, लेफ्ट बोथ लेफ्ट एंड राइट अभंग, यस वेरी गुड। पांव को इधर रखो नीचे, इधर इधर यहां रखो पांव को इसके पास, लाइक दिस, यू हैव टू डू इट लाइक दिस, यस अभंग। ओके त्रिभंग, दैट इज ट्राइबेंड, यस। नाउ दिस इज शिखरा एंड दिस इज मुष्टि, त्रिभंग ट्राइबेंड, नेक इस साइड, यस। ट्राइबेंड में से 3 तरीके से बेंड है, नेक, टॉर्सो, हिप एंड दिस इज नीज, ट्राइबेंड, दिस इज द स्कल्पचर पोजिशन, त्रिभंग फेमिनिन पोजिशन। तो वी हैव समाभंग, अभंग, त्रिभंग एंड लास्ट इज चौका, डू चौका, बनाओ चौका अपनी, यस चौका, दिस इज चौका, द मैस्कुलिन पोस्चर, द पोस्चर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, सी यू सी लॉर्ड जगन्नाथ, दिस चौका पोजिशन, यस। ओके बैक टू योर पोजिशन, यस ओके अवनी, ठीक से खड़ी हो जाओ बेटा, हाँ नॉर्मल नॉर्मल, ओ अवनी सी शी इज एक्साइटेड टू शो चौका पोजिशन, ब्लेस हर, शी इज द यंगेस्ट एंड द नॉटिएस्ट ऑफ ऑल। ओके चलो बेटा बैठो, यस नमस्कार करो सबको, सबसे आशीर्वाद हो, वेरी गुड, बैठो बैठो बेटा। ओके सो दीज आर दी 4 basic stances इन ओडिसी डांस। Now I'll show you the sculpture position of Odissi dance, जिसमें हमारा भंगीज है, important भंगीज जो आप देखोगे कोणार्क temple में engraved है ये सारे positions, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बस मैं कुछ आपको करके दिखाऊंगी, so that आप you can relate कि आप अगर आप temples गए होंगे घूमने के लिए, या कभी आप मुक्तेश्वर temple, कोणार्क temple या हम्पी और जो भी मीनाक्षी temple मदुरई, तो यू कुड रिलेट इट कि हाँ ऐसा कुछ फिगर हमने देखा था, तो ओडिसी में वी यूज दैट फिगर। ओके वी स्टार्ट, भंगीज इन ओडिसी, प्रणता, निवेदना, अभिमाना, पदबलाया, मर्दला, पार्श्व मर्दला, वीणा, विराजा, अलसा, दर्पणी, निकुंचका, बेसिक, ऐसे तो बहुत सारे भंगीज हैं, बस दीज आर दी बेसिक जो हम डांस में यूज करते हैं, प्योर डांस में, जैसे अभी मैं बट्टू का डेमो मेरी एक स्टूडेंट देगी आपको, तो वी यूज सच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, करताल, वेणु, वीणा, मर्दला,
तो दिस ओडिसी में क्या अभिनय इट इज लास्य बेस्ड ऑल्सो एंड तांडव बेस्ड ऑल्सो वेरी सॉफ्ट डांस लाइक यू नो व्हेन आई से इट्स त्रिभंग इट्स वेरी सॉफ्ट सॉफ्ट लुक इट इज द ओनली डांस विच हैज दिस सॉफ्ट लुक ऑफ लास्य दिस मैस्कुलिन चौका पोजिशन तांडव नाउ वी डू चौका इन दिस एंड वी डू सॉफ्टली त्रिभंग इन दिस सो दीज आर दी थिंग्स एंड अभिनय में जो हमारे अभिनय दर्पण में लिखा है जहां हमारे जहां हमारा हाथ जाता है वही हमारी आंखें जाती हैं जहां हमारी आंखें जाती हैं वही तो हमारा मन होता है फिर भाव और फिर रस द एसेंस दिस इज कॉल्ड अभिनय तो मैं अभिनय का भी आपको थोड़ा सा करके बताऊंगी जैसे कृष्ण मुझे देखे वहां मेरा मन उनमें आई फील लॉर्ड कृष्णा देन द एसेंस फ्लो फ्रॉम माई हार्ट तो एक संस्कृत में श्लोक है इसका अभिनय का उस पर मैं आपको एक्शन करके दिखाती हूं इन ओडिसी हाउ वी डू यथो हस्ता स्ततो दृष्टि यथो दृष्टि स्ततो मनः यथो मनः स्ततो भावः यथो भावः स्ततो रसः सो दिस इज हाउ द एसेंस क्रिएटेड एंड दिस इज हाउ वी डू अभिनय ये तो छोटा सा एक डेमो था अब अभिनय के बाद जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है जो जेस्चर्स व्हिच वी यूज द हैंड जेस्चर्स उसमें लाइक आई डिड दिस अभी आपने देखा फिर मैंने ये किया फिर दिस आई डिड तो वी यूज हैंड जेस्चर्स टू इंडिकेट आर इमोशंस हमारी भावनाएं हमारी दृष्टि और हमारे हाथों से वो कहानी हम बयां करते हैं कहानी सुनाते हैं चाहे वो राधा कृष्ण की हो चाहे वो श्री रामचंद्र की हो चाहे वो शिव की हो गौरी की हो तो With we use our hand gestures to emote ourselves. So again, I would like to call my disciple to give demo on single hand gestures and double hand gestures. See how they do it very cutely. Okay, पहले समाभंग पे खड़ी हो जाओ. Yes. We'll do single hand gesture. How many single hand gestures are there? 28. There are 28 single hand gestures. So we'll do it. Yashika, ready? Yes, ma'am. Okay. पताक पताक श्री पताक श्री पताक अर्ध पताक अर्ध पताक कर्तरी मुख कर्तरी मुख मयूराख्यो मयूराख्यो अर्धचंद्रश्च अर्धचंद्रश्च अरालह अरालह शुकतुंडक शुकतुंडक मुष्ठिश्च मुष्ठिश्च शिखराखश्च शिखराखश्च कपितः कपितः कटकामुखः कटकामुखः शूची शूची चंद्रकला चंद्रकला पद्मकोशः पद्मकोश सर्पशीरस्ततः सर्पशीरस्ततः मृगशीर्ष मृगशीर्ष सिंहामुखः सिंहामुखः कांगुलश्च कांगुलश्च अलपद्मकः अलपद्मकः चतुरो चतुरो हंसास्यो हंसास्य ब्रह्मरश्च ब्रह्मरश्च हंसपक्षकः हंसपक्षकः संदंश संदंश मुकुलश्च मुकुलश्च ताम्रचूडः ताम्रचूडः त्रिशूलास्ततः त्रिशूलास्ततः सो देयर आर 28 हैंड जेस्चर्स सिंगल हैंड जेस्चर्स नाउ वी आल्सो हैव डबल हैंड जेस्चर्स How many double hand gestures? It's 23. Yes, 23 double hand gestures we have. हालांकि जो हमारे जो pure dance में use होता है वो और भी ज्यादा है But basically, basic में हम पहले बच्चों को या खुद भी यही सीखते हैं कि there are 23 hand gestures और अभिनय दर्पण में भी इसी का mention है Okay, we'll use both our hands while doing double hand gestures. Right? So, Anjali. Anjali. Kapotah. Kapotah.
कर्कटः कर्कटः स्वास्तिकतः स्वास्तिकतः डोलहस्तः डोलहस्तः डोलहस्ता डोलहस्ता बोथ वेज वी यूज डोलहस्ता पुष्पपूटः पुष्पपूटः उत्संगकः उत्संगकः शिवलिंगकः शिवलिंगकः कटकावर्धनश्च कटकावर्धनश्च कर्तरी स्वास्तिकतः कर्तरी स्वास्तिकतः शकटं शकटं शंखं शंखं चक्रं चक्रं संपूटः संपूटः पाशो पाशो कीलको कीलको मत्स्य मत्स्य कूर्मः दैट इज टॉर्टाइज वराहश्च दैट इज वाइल्ड बोर गरुडो बर्ड नागबंधकः नागबंधकः स्नेक एंटवाइंड टुगेदर खटवा खटवा भेरुंड भेरुंड नमस्कार नमस्कार करो यस वेरी गुड सो देयर 20 तैयार करते हैं जो हमें इसका इसके इस्तेमाल करने के लिए हमें सिखाता है कि हम इनको किस किस चीजों में इस्तेमाल करते हैं पताका हस्ता का वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा आई हैव डन इट आज मैं आपको त्रि पताका और अर्ध पताका का विनियोग करके दिखाऊंगी हाउ उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है इट इज अ श्लोक एंड वी डांस लिटिल बिट थोड़ा सा इससे हमारे एक्सप्रेशंस भी आते हैं हाथ हैंड जेस्चर्स खुलता है भाव भंगिमा हमारी बनती है इट हेल्प्स अ पर्सन और इंडिविजुअल टू ग्रो और ब्लूम एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट सो आई शो यू थ्री पताका एंड अर्ध पताका विनियोग त्रिपताकहस्ता स एव त्रिपताकः स्वाधकृतानामिकाङ्गुलिः यदि पताक हस्त मुद्रा में अनामिका के अगले दो पोर टेढ़े करके हथेली की ओर झुका दिए जाएं तो उसे त्रिपताक हस्त कहा जाता है विनियोग मुकुटे वृक्षभावेशु वज्रे तदर्वासवे केतिकी कुसुमे दीपे वहिर्ज्वला वृजिम्भणे कपोते पत्रलेखायां बाणार्थे परिवर्तने युज्यते त्रिपताकोऽयं कथितो भरोत्तमे अर्धपताकहस्ता त्रिपताके कनिष्ठा चेद वक्रताधृपताकिका यदि त्रिपताकहस्त मुद्रा में कनिष्ठा को भी टेढ़ी करके झुका दिया जाए तो वह हस्त मुद्रा अर्धपताका कही जाती है विनियोग पल्लवे फलके तीरे उभ्योरिति वाचके कक्वचे छुरिकायां च ध्वजे गोपुरशृङ्गयोः युज्यते अर्धपताकोऽयं तत्तत् कर्म प्रयोगके धन्यवाद सो ये अर्धपताका को रेफर कर सकते हो और देख सकते हो हाउ दे आर मेक डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ शोइंग पताका हस्ता त्रिपताका एंड अर्धपताका नेक्स्ट लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में आई प्रॉमिस आई डू कर्तरी मुखा एंड मयूरा So it will really give you more idea how these hand gestures are used. Okay. So like we talked about Odissea, its origin, its evidence, the stances, the sculpture positions, which we call bhangis, the hand gestures, the vinyog. Now it's time for the repertoire. Okay. In Odissea, we start with Mangalacharan. जिसको हम मन प्रवेश जिसमें हमारा होता है फिर भूमि प्रणाम होता है फिर श्लोक होता है जिसमें वी इनवोक लॉर्ड गणेशा पे हो सकता है माँ सरस्वती पर है दुर्गा पे है उसके बाद शिवा पे है
तो कृष्ण पे है, मधुराष्टकम है, जगनाष्टकम है, सो देयर मेनी मंगलाचरण में काफी श्लोक्स हैं और हर गुरु का अपना अलग अलग स्टाइल होता है मंगलाचरण का. तो अभी हम छोटा सा डेमो देंगे मंगलाचरण का, जिसमें मैं आपको, मेरी जो डिसाइपल है सांझली वैष्णव, आपको मंच प्रवेश करके दिखाएगी और भूमि प्रणाम करेगी. भूमि प्रणाम इज वी प्रे टू मदर अर्थ कि वी आर स्टैम्पिंग ऑन यू, प्लीज फॉरगिव अस, आप हमारा साथ दीजिए ताकि हमारा ताल और टाइमिंग जो है बहुत अच्छा जाए, नृत्य में हमारे अच्छे से भाव आए और उससे एसेंस जनरेट हो. बट बिफोर दैट वी इन्वोकेट लॉर्ड जगन्नाथ, बिकॉज ओडिसी इज सोल्ली डिपेंडेंट, सोल्ली डिवोटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ. सो फर्स्ट वी इन्वोकेट लॉर्ड जगन्नाथ, देन विल डू भूमि प्रणाम. तो माई डिसाइपल सांझली वैष्णव विल गिव डेमो. Thank you.
प्रवेश ऑफ मंगलाचरण एंड भूमि प्रणाम. इसके बाद श्लोक आते हैं और फिर त्रिखंडी प्रणाम आता है. त्रिखंडी प्रणाम में पहला जो प्रणाम है वो हम भगवान को कहते हैं, जगन्नाथ को, हमारे ईष्ट को. उसके बाद दूसरा गुरु को कहते हैं जो फॉरहेड के पास होता है. तीसरा ऑडियंस. दिस इज त्रिखंडी प्रणाम. अभी इसने भूमि प्रणाम किया था. अब जो मंच प्रवेश के बाद, भूमि प्रणाम के बाद जो श्लोक होता है वो गणेशा पे भी हो सकता है, वो जगन्नाथ पे भी हो सकता है, और वो दुर्गा पे, शिव पे, किसी पे भी हो सकता है. वो अब आप आपके अपनी या फाइव एलिमेंट्स ऑफ अर्थ पे हो सकता है, सूर्य देव पे हो सकता है. सो किसी पे भी मंगलाचरण आप हो सकता है. और मैंने अभी सूर्यदेव मंगलाचरण किया था, आप उसको भी देख सकते हो यूट्यूब में. अभी जो जैसे इसने, जो मेरी स्टूडेंट है, उसने काफी सारे फुट वर्क दिखाया आपको, काफी सारे फुट मूवमेंट था. तो अभी मैं आपको जो ओडिसी में, जो ऐसे तो सभी डांस फॉर्म के अपने फुट पोजिशन है, बट इन ओडिसी वी फोकस ऑन 36 फुट पोजिशंस. आई एम श्योर भरतनाट्यम में भी होता है 36 कुचिपुड़ी, सब जगह द बेसिक इज एवरीवेयर, द बेसिक इज सेम एवरीवेयर, बट इन ओडिसी वी डू इट अ लिटिल बिट डिफरेंटली, क्योंकि हमारा जो ट्राइब बैंड है ओडिसी का, तो वो दिस पोर्शन, दिस द टॉर्सो, बेसिकली द टॉर्सो, द यूज ऑफ द टॉर्सो इज देयर इन ऑल द फुट पोजिशंस. तो अभी मैं आपको 36 फुट पोजिशंस थोड़ा सा डेमो दूंगी 36 फुट पोजिशंस का. तो उसमें आप देख सकते हो कि कैसे दे आर सो मेनी ऑफ देम एंड दे लुक सो ब्यूटिफुल. सो जस्ट वॉच. 36 फुट पोजिशंस. पद अभिदास. भूमि स्थित लीना पाना. आदिपाद युग्म दैट इज समापाद. विपरीत मुख पाद. कुंभपाद. धनुपाद. पृष्ठ धनुपाद. महापाद. पृष्ठ महापाद. एक पाद. मीना पुष्य पाद. आश्रित. लोलित. उत्तोलित. उल्लोलित. जंग आश्रित. दिस इज लोटस फीट. नंदी दुत. जनु आश्रित. नुपुर. शुचि. कुंचित. त्रस्य. बिलंगन पर्सिनी. उत्पर्सिनी. पश्चात अर्धमुखी पाद. अनुकुंचित. घर्षित. आलिद. प्रत्यलिद. बंधिनी. अर्ध चौक. चौक. मंडल. स्वास्तिक. अर्ध स्वास्तिक. रेखा. सो दीज आर दी 36 फुट पोजिशंस विच वी यूज इन ओडिसी. Now after the Mangalacharan, the foot positions, we have the Battu, pure dance piece. Now in Battu or Sthai we call it, it has 64 aspects of Lord Shiva and it is composed by Padma Bhushan Guru Kelucharan Mohapatra in Ekatali. In this we use lots of instruments are shown like Veena, Venu, Kartal that is Manjira, Mardala, and then we have the Shringar also. So it shows a different sculptural position. को कैसे एक माला में पिरोया गया है बट्टू में, एक माला में धागे इतनी सुंदर तरीके से पिरोया गया है. तो आई जस्ट गिव यू द डेमो ऑफ बट्टू. वन ऑफ माई स्टूडेंट अगेन सांझलि वैष्णव, शी विल गिव द डेमो ऑफ दम बट्टू. प्लीज ब्लेस हर. थैंक यू. Thank you.
हमने देखा काफी स्कल्पचर पोजिशन यूज है, वीणा, वेणू, मंजीरा, मर्दला, देन वी हैव दिस दर्पणी और आगे भी काफी इसमें, हाँ ये भी यूज आसी यशिका, दे अंडरस्टैंड दिस, हम सास्य. तो दिस इज हाउ द दिस यंग दीज यंग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, दे आर सो डेडिकेटेड एंड दे लव टू डांस, दे जस्ट लव टू डांस द ट्यून एंड म्यूजिक अभिनय. तो बट्टू के बाद जनरली वी गो फॉर दी ओरिया अभिनय, अष्टपदी एंड देन मोक्ष. तो आई जस्ट गिव यू द स्मॉल डेमो ऑफ चंपू. नाउ चंपू इज द वर्ड विच हैज इज द काव्य जनरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत एंड इन ओरिया चंपू वी हैव द अल्फाबेट्स जो यूज होते हैं वो जैसे क ख ग घ भ जो भी यूज होता है ए बी सी डी वो उसी से स्टार्ट होता है, सारे स्टैंजास उसी अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ चंपू. और जो इट्स वेरी रीजनल, ये इट बिलोंग्स सोली टू ओरिसा, वेरी रीजनल काव्य जो हमारा एपिक है. दो अभी जो आज मैं चंपू करूंगी इट हैज बीन कोरियोग्राफ्ड बाय पद्मभूषण गुरु केलुचरण मोहपात्रा. और उनकी एक बहुत अच्छी बात है गुरु जी की कि वो संचारी यूज करते, दैट इज रेपिटेशन ऑफ लाइन्स. उसी संचारी में वो एक कहानी को बड़े अच्छे से एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं, अच्छे से इंटरवीव करते हैं और पूरी एक कहानी जैसे एक फिल्म की कहानी होती है शुरू से अंत तक बड़ी खूबसूरती से वो उस कहानी को बनाते हैं. और हम जैसे जो कलाकार है कोशिश करते हैं कि उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो ईश्वर के प्रति जो उनकी आस्था है उसको थोड़ा सा साकार कर पाए, थोड़ा सा ईश्वर के करीब और उनके आशीर्वाद के करीब पहुँच सकें. तो टुडे आई डू चंपू जिसमें इंटरल्यूड और प्रेल्यूड है. इट इज कंपोज बाय पंडित भुवनेश्वर मिश्रा. ताल इज त्रिपटा. इट इज रीजनल ओरिया लैंग्वेज एंड इसमें राधा कृष्ण का है और सखी का है. कृष्णा इज वेरी ब्यूटिफुल, बिल्कुल उनकी आंखें बिल्कुल जैसे स्नेक, ब्यूटिफुल स्नेक की तरह, इट्स अ गेटवे टू हेवन. इतनी सुंदर उनकी आंखें हैं एंड सखी कह रही राधा तो इतना कृष्ण को देख के बिल्कुल भी मत अपने होश मत खो बैठो कि तुम्हें किसी चीज का होश ही ना हो, ठीक है, तो थोड़ा सा तुम संभल जाओ. तो सखी सेइंग कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम बिल्कुल होश खो रही हो कृष्ण को देख के उनके पीछे उनकी भौंय. ही इज वेरी नॉटी, लॉर्ड कृष्णा इज वेरी नॉटी, ठीक है. तो यू शुड बी डाउन टू अर्थ एंड ग्राउंडेड बिकॉज यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन in this whole universe. So you must behave with dignity. Don't go mad after Lord Krishna. He's very naughty. Very, very naughty. So today I'll be doing Champu. A small demo of Champu. Not the whole thing. Bada sa hai. Ek second main music lagati hu. Oh.
ओनली ऑन कृष्ण एंड राधा. कभी मौका मिला तो मैं पूरा परफॉर्म करूंगी आपके लिए. एंड दिस वॉज मोर डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर ऑन ओडिसी. आई होप कि काफ़ी अवेयरनेस होगा इसके बारे में, लोग जानेंगे ओडिसी के बारे में, स्पेशली इन द प्लेस लाइक राजस्थान, अहमदाबाद, वेस्टर्न साइड. ईस्टर्न में तो ओडिसी इज क्वाइट पॉपुलर, वेस्टर्न साइड. सो दैट इज वाई आई थॉट ऑफ गोइंग फॉर दिस लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन. आई होप यू काफ़ी आपको इसमें अवेयरनेस आई, काफ़ी हेल्प मिला और आप लोग को हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को एंड करना चाहती हूँ बट विथ स्मॉल श्लोका. एंड मैं अपने छोटे छोटे जो डिसाइपल हैं उनको बुलाना चाहती हूँ कि वो आपको करके दिखाएं श्लोका. सीकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड दुर्गा. यस स्मॉल, ये सब छोटी छोटी देवियां हैं, तीन देवियां हैं और ये माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगेंगी सबके लिए, है ना, मांगेंगी ना. यस ओके अभी समा पे खड़ी हो जाओ. यस कॉन्फिडेंस के साथ आए और खुश होके आए, स्माइल लेकर आए फेस पे. हाँ और ये बच्चे आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं. गो एंड गेट योर मास्क. वेयर इज योर मास्क एवरीवन, प्लीज गो एंड गेट योर मास्क. आ जाओ. यस तुम भी आ जाओ. हाँ यस आ जाओ. कब? यस सी ये छोटे छोटे बच्चे कहीं भी बाहर जाते हैं, they wear mask, please, and they are requesting you to wear mask. अभी news में मैं सुन रही थी कि बिना mask के लोग जा रहे हैं, इसका mask कुछ ज़्यादा ही बड़ा छोटा का, है ना? चलो इसको ऐसे करो. अभी तो हम घर में rehearsal कर रहे थे, practice कर रहे थे, program कर रहे थे, तो हमें mask की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन जब भी ये बच्चे बाहर जाते हैं, they do wear mask. और ये सबसे request करते हैं कि इनका आने वाला कल safe हो, secure हो, हेल एंड हार्टी हो. तो ये सब बड़े से बड़ों से जो भी हैं, सबसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज प्लीज वेयर मास्क व्हेन यू गो आउट, है ना, सो दैट इनका आने वाला कल सेफ रहे, सिक्योर रहे, एंड दे विल बी हैप्पी, ऑल द किड्स, द कमिंग जनरेशन. सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज मेंटेन, अवॉइड क्राउडेड प्लेस. जरूरत हो तभी बाहर जाइए, अदरवाइज प्लीज स्टे एट होम. इट्स गुड टू बी विद द फैमिली. Utilize this time, beautiful time, है ना? कोई बात नहीं, खटपट चलती रहती है. It's okay, it's a part of life. But please stay at home, wear mask for these kids, for these kids. Thank you so much. Once again, thank you Jaipur Sangeet Mahavidyalaya for this wonderful platform. And I hope you enjoyed my lecture and demonstration. Thank you so much. जय हिंद बोलो. जय हिंद. वंदे मातरम. वंदे मातरम.